अगला चैप्टर हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। इमोशंस आते जाते रहते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो टेम्पररी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। कोई भी लाइफ में अनकंफर्टेबल या दुखी फील नहीं करना चाहता है ना, लेकिन ये फीलिंग कई बार एक साइन भी हो सकती है। इमोशंस आपको एक मैसेज भेजते हैं और आपको उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब जैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हैरियत हमेशा स्ट्रेस में रहती है, उसे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, ना अपनी जॉब से, ना अपनी रिलेशनशिप से और ना ही अपनी अचीवमेंट से। फिर अचानक एक दिन हैरियत ने डिसाइड किया कि वो एक नए शहर में चली जाएगी। ये हैरियत की लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो हर रोज नई सुबह का इंतजार करती, छोटी छोटी चीज़ों में भी उसे खुशी मिलने लगी। हैरियत आज से पहले अपनी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं हुई। अपने इमोशंस को समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हैरियत ने अगर अपनी फीलिंग्स को अनदेखा किया होता तो वो अपनी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन कभी नहीं ले पाती। उसे पता था कि उसे अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, और अगर हैरियत ये मानने से इनकार कर देती कि वो नाखुश है तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी देता है। ये आइडिया जिम डेटमर और डाइना चैपमैन की बुक द 50 कमिटमेंट्स ऑफ काउंसल लीडरशिप से लिया गया है। सेल्फ अवेयरनेस एक सिंगल लाइन यूज करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। जो भी आप सोचते, फील या बिहेव करते हो, खुद से पूछो क्या वो लाइन के ऊपर है या नीचे। लाइन के ऊपर का मतलब है कि आप इस बात के प्रति सेल्फ अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो। इसका मतलब कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो। अगर आप क्यूरियस हो और कॉन्सली कुछ सुन रहे हो तो आप लाइन से ऊपर हो। साथ ही आप जो फील कर रहे हो उसे खुद को फील करने देते हो, और लास्ट में आप चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेते हो। लाइन से नीचे होने का मतलब है कि अपने लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। ये कुछ टिपिकल बिहेवियर, एक्शन और फीलिंग्स है जो बताते हैं कि आप लाइन से नीचे हैं। जब आप लगातार खुद में और दूसरों में कमियां ढूंढने लगते हैं, आप बहस और गॉसिप्स करते हैं। इसके अलावा आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आपके बिलीफ्स को चेंज या चैलेंज करे, इसलिए आप उन लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हो जिनका ओपिनियन आपसे अलग होता है। आप जो भी करें पहले खुद से पूछो क्या ये लाइन के ऊपर है या नीचे। इसका जवाब आपको ये तय करने में हेल्प करेगा कि क्या आपको अपने इमोशंस को जाने देना चाहिए। अगला चैप्टर रिकॉर्डिंग योर इमोशंस। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है, ये आपको आइडिया देने के लिए है कि कैसे और ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस किया जाए। इससे पहले कि आप ये करें, आपको अपने करंट इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। एक हफ्ते के लिए उन इमोशंस को ऑब्जर्व करो जो आप डेली लाइफ फील करते हो। इसके लिए एक नोटबुक या पेपर भी चलेगा। 1 से 10 के स्केल पर अपनी फीलिंग्स को रेट करो, 1 सबसे बुरे के लिए और 10 बेस्ट के लिए। हर हफ्ते के एंड में इसे टोटल स्कोर दो। साथ ही आपको इन सवालों का भी जवाब देना होगा, आपने क्या नेगेटिव इमोशन फील किए, इन फीलिंग्स की वजह क्या है, उस नेगेटिव इमोशन के एक्सपीरियंस और आपने उसका क्या मतलब निकाला उसे याद करो। क्या आपकी इंटरप्रेशन सही थी, वो उस सिचुएशन के फैक्ट्स के कितने करीब था। नेगेटिव इमोशन को महसूस करने से रोकने के लिए आपने क्या किया, क्या ये नेचुरली हुआ या आपने उन्हें रिलीज करने के लिए कुछ किया। अगली बार इन नेगेटिव इमोशंस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। आपने इमोशंस को रिकॉर्ड करके आप 2 चीज अचीव करोगे। 1 ये कि आप हर हफ्ते उनके प्रति अवेयर रहेंगे, इससे आप अपना पॉजिटिव मूड मेंटेन रख सकते हैं या खुद को खुश करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। 2 आप नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाने और खुश रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं इस बुक के कॉन्क्लूजन की तरफ। 1st, आपने नेगेटिव इमोशंस के बारे में जाना। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की थी, इसलिए आपके अंदर भी
अभी तक नेगेटिव बियास है। आपको इस नेगेटिव बियास से एक्टिव होकर लड़ना होगा, क्योंकि ये आपको खुश रहने से रोकता है। आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप क्या करते हो और क्या सोचते हैं, ना कि इस बात पर कि आपके साथ क्या हो रहा है। सेकंड, आपने जाना कि इमोशंस टेम्पररी होते हैं। आपको ये याद रखना होगा, खासकर तब जब आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो। याद रखें कि सारी बुरी चीज़ें जल्द ही चली भी जाएगी और आप उन्हें दूर कर सकते हो। थर्ड, आपने अपने नज़रियों को चेंज करने के बारे में जाना, ताकि आप खुश रह सके। उन एजम्पशंस को मत सुनो जो लोग आपके बारे में बनाते हैं, जैसे कि आपको शादी करने और घर बसाने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप खुद न चाहें। आप जो नहीं चाहते उसे करके आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। फोर्थ, आपने जाना कि अपने इमोशंस को आने से रोको मत। अपने इमोशंस को डिटैच होकर ऑब्जर्व करो, उन्हें लेबल करो और आने दो। फिफ्थ, आपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना। इमोशंस एक साइन हो सकता है कि आपको अपने लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। हर थॉट और एक्शन के बारे में सोचो कि वो लाइन के ऊपर है या नीचे। लाइन के ऊपर से मतलब है कि उससे आपको फ़ायदा होगा, और लाइन के नीचे से मतलब है कि वो आपके दुख की वजह बन सकता है। सिक्स्थ, आपने जाना कि अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने के बारे में। आप क्या फील करते हो उसे नोट करते रहो, ताकि आप खुश रहने के तरीके ढूंढ सको। हमेशा याद रखो कि आपके इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करते, इमोशंस आते जाते रहते हैं। अच्छे इमोशंस आपको खुशी देने आते हैं, जबकि बुरे इमोशंस आपको कुछ सिखाने आते हैं। इसलिए आप दोनों को एक खुशहाल और भरपूर लाइफ जीने के लिए यूज कर सकते हो।